हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो सभी लोग वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम को जाके सब्सक्राइब करना है। आपको आज सुबह 11 बजे आपको देखना है कि SSC की तैयारी आपकी धांसू तरीके से कैसे होने वाली है। ओके, इसके अलावा अनअकैडमी अपनी सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है CBSE क्लास 9 से 12 तक की, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। और आपको अगर अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स चाहिए, चाहे आप लोग वो 12 का लेना चाहते हो, चाहे SSC, UPSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस, तो सुष्मिता10 यूज़ कर सकते हो कोड। इससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा और साथ ही साथ में जो भी सब्जेक्ट है, जो भी फैकल्टी है, जो भी कोर्स है, सब कुछ आप लोग देख सकते हो। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रिड रिपोर्ट के बारे में। ग्रिड रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2019, इसको रिलीज़ की गई है, ये रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कितने लोग अपनी जगह से विस्थापित हुए हैं, चाहे किसी भी वजह से, लेकिन जो विस्थापित हुए हों उनके बारे में बताया जाता है। अब ज़रा देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग कुछ और चीज़ें। इस रिपोर्ट को लाने वाली जो संस्था होती है उसका नाम होता है IDMC, यानी IDMC संस्था है, और जो रिपोर्ट ये लेकर आ रही है वो है ग्रिड रिपोर्ट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। इसके नाम में सीधा सीधा लिखा है इंटरनल, यानी कि देश के भीतर ही कितने लोग विस्थापित हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ये अपने रिपोर्ट में जारी करता है कि कितने लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी वाद विवाद से, किसी भी अहिंसा के कारण या कोई भी आपदा के कारण। 145 कंट्री में जितने भी लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं अपने देश के अंदर, उनके बारे में IDMC संस्था बताती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से किसी कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद या फिर कोई आपदा की वजह से लगभग 33.4 मिलियन लोग अपने ही देश के अंदर विस्थापित हुए हैं, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट दिखाए हैं, जो कि अभी तक 2012 के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा दिख रहा है। इसके अलावा 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि टोटल लेवल पर डिस्प्लेस हुए हैं, ओके। और कितनी कंट्रीज में, 145 कंट्रीज में। एक और भी चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया के अंदर केवल इंडिया के अंदर लगभग 5 मिलियन ऐसे लोग हैं जो लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए हैं, ठीक है। इसके साथ में एक और चीज़ ज़रा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि इसमें से 2.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो लोग विस्थापित हुए हैं साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, और 19,000 लोग किसी और वजह से जो है अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं, और ज़्यादातर इनमें के वो लोग हैं जो लोग वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा से रिलेटेड हैं। अब हम लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए हैं, हमें मतलब है हमारे एग्जाम में जो आता है और उसमें जो पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो इंडिया की रिपोर्ट हो गई और पूरे विश्व की रिपोर्ट हो गई। अब जरा देखते हैं इसको छापने वाली संस्था कौन सी है और वो क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो एक चीज को जरा ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज IDMC, यानी कि उस संस्था का काम क्या है, ये कहाँ पर स्थित है। जिनेवा में स्थित है ये संस्था, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल का एक पार्ट है। विश्व का ये अल्टीमेट सोर्स है जो कि अपना एक एनालिसिस देता है और पूरी पूरी डेटा देता है अगर देश के अंदर कितने लोग विस्थापित हुए हैं इसके बारे में। जब से ये 1998 में बना है तब से ये लगातार अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इस काम में माहिर है, ठीक है। जो ये पार्ट है नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल का, तो ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल क्या है, ये 1946 में बनाया गया था ओस्लो नॉर्वे में, और ये पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड काम कर रहा है, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है और कम्प्लीटली फोकस करता है हर एक जगह पे। इसके अभी फिलहाल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इनका नाम है जेन इग्लैंड, ठीक है। इसके साथ ही साथ में IDMC का काम क्या होता है, IDMC का काम होता है कि ये किसी तरह से जो है ये देखे कि क्यों ये डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है, द वेरी रीजन फॉर इट्स फाउंडेशन इज मॉनिटरिंग इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वर्ल्ड वाइड कॉज बाई कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डिजास्टर एंड डेवलपमेंट। ये डेटा को कलेक्ट करती है लोगों की आयु, लोगों की जेंडर और कहाँ पे वो रहते हैं और इंटरनली कहाँ डिस्प्लेस हुए, इनके बारे में ये देखती है, ठीक है। तो IDMC इस मकसद से ही चलती है और यही इसका काम होता है। अब ये इंटरनली डिस्प्लेस पीपल कौन होते हैं, ये वो लोग या उनका ग्रुप होता है जिन लोगों को किसी भी वजह से विवश कर दिया जाता है कि वो अपना घर छोड़कर और दूसरी जगह रहने चले जाए, ठीक है। जैसे अगर कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है,
कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है या फिर मॉब वॉयलेंस होने लगा है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब को, किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए लोगों के अंदर कुछ भरने लगा है, उन्हें मारने लगे हैं, या फिर एक वॉयलेशन होने लगा है ह्यूमन राइट का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। रोहिंग्या का एग्जाम्पल है हमारे पास, कश्मीरी पंडित वाला था हमारे पास, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। तो यही लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड होते हैं जो अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कि इसका क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्या कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन मेरे हिसाब से तो यही होगा कि इसमें पूरा पूरा देश में पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, साथ ही साथ में ऐसे जो भी सेक्टर्स हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन मानवता की ओर फोकस करते हैं, इन क्षेत्रों में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके और इन लोगों को कहीं एक जगह सेटल कर देना चाहिए, और साथ में जितने भी वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं उस वजह पे फोकस करके उसे कम करना चाहिए। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रात के 12 बजे ज़रूर आइएगा, एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ प्लान्ड है आपके लिए, तो लाइव देखने आइएगा आज रात 12 बजे। फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी हैं अपना ध्यान दीजिए, और अगर आपके घर में कोई भी बूढ़े लोग हैं तो उनका खास तौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं, आज के सेशन को एंड करते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, लव यू पीपल, बाय बाय।